हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम अकेडमी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं सेकंड राउंड की काउंसलिंग में क्या क्या प्रक्रिया होगी और आपको क्या करना है और सीट किस प्रकार से मिलेगी। तो दोस्तों, जिन मेरे दोस्तों ने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट देख चुके हैं और उनके जो है मार्क्स कम होने की वजह से जो है कॉलेज सीट नहीं अलॉट हो पाई है, उन दोस्तों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है, इसमें आपने जो चॉइस फिल की थी, अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है और आप निराश ना हो सकता है आपका सेकंड राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज मिल जाए। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बारे में कुछ बताइए, किस तरीके से होगी, कैसे सीट मिलेगी। तो इसमें दोस्तों आपको कोई चॉइस फिल नहीं करनी है। आपने जो पहले चॉइस फिल की थी, हमने आपसे कहा था कि आपको केवल एक मौका मिलेगा चॉइस फिल करने का, इसीलिए हमने आपसे ये भी कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉलेज फिल करें। लेकिन फिर भी जो भी पुरानी गलती हुई है उसे देखते हुए आप फिर जो है हम सेकंड राउंड के बारे में कुछ बता रहे हैं। तो चॉइस फिलिंग तो आपकी दोबारा होगी नहीं। आपने अगर बशर्ते अगर आपने 10 कॉलेज फिल किए हैं, आपका फर्स्ट कॉलेज कोई है, आपका फर्स्ट नंबर का कॉलेज है, अगर उसमें कोई सीट खाली है और आपकी रैंक अच्छी है उस कॉलेज सीट के भरने के लिए, तो आपका उसमें एडमिशन हो जाएगा। इसी तरह से सीक्वेंस वाइज चलेंगे। अगर आपने सेकंड राउंड में जो सेकंड चॉइस फिलिंग की है किसी कॉलेज की, उसमें सीटें खाली हैं, तो आपका एडमिशन उसमें भी हो सकता है। इसी तरीके से आपने जितने भी कॉलेज किए हैं, इसीलिए हमने आपसे कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फिल करें, तभी आपका एडमिशन हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने लास्ट तक अगर आपने 10वां कॉलेज भी फिल किया है, तो आपका अगर यहाँ पे भी सीट खाली है तो वहाँ भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो है सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बारे में मैंने आपको बताया है कि सीट कहाँ तक आपकी फिल हो जाएगी। कुछ दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरी रैंक 2000 है, मेरी 4000 है और मेरा भी अभी जो है नंबर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में नहीं आया है। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो आपके जो मार्क्स हैं, वो तो आपकी कुछ तो आपके कॉलेज फिलिंग के जो है आपने किया है उस पर डिपेंड करता है। अगर किसी बच्चे ने ज़्यादा कॉलेज फिल कर दिए हैं तो उनका जो है नंबर आ भी गया है। दो दोस्तों के अभी हमारे पास कमेंट आए थे कि सर मेरा नंबर आ चुका है, मेरी 4500 रैंक थी। और दोस्तों, कुछ ये स्टेट का भी आपका जो है फर्क लगा है। बहुत से स्टेट में क्या है कि ज़्यादा यूनिवर्सिटी है, जैसे आपका यूके है, इसमें यूनिवर्सिटी आपकी है और बच्चे जो हैं यूके के काफ़ी कम हैं, तो उन्होंने अपने पास के स्टेट के जो कॉलेज हैं वो फिल किए हैं, तो उनके जो है कम ज़्यादा रैंक होने के बावजूद भी जो है उनका सीट अलॉटमेंट हो चुका है। लेकिन फिर भी जहाँ जैसे यूपी है अपना, इसमें क्या है कि कॉलेज और सीटें कम हैं और कैंडिडेट जो है बहुत ज़्यादा संख्या में है, तो यहाँ जो है मैंने कई कमेंट पढ़े हैं कि 1000 रैंक होने के बावजूद भी हमारा जो है सीट अलॉटमेंट नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, ये जो है आपकी मैंने बताया था पहले ही, ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिल करें, तो चॉइस फिलिंग पर आपका जो है सीट अलॉटमेंट ज़्यादातर डिपेंड कर रहा है। फिर भी आपका जो है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आपके चांसेज हैं, आपका नंबर आ सकता है। सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आपको कोई फीस जमा नहीं करनी होगी, कोई चॉइस फिलिंग नहीं करनी होगी और सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है उसका स्कोर भी आपका ठीक से जाएगा। जहां तक मेरा अंदाजा है, अभी तक जो है आपका लास्ट डेट दी हुई है उन्होंने 20 तारीख जो है एडमिशन के लिए, 20 तारीख तक अगर फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है उनके एडमिशन हो जाएंगे और 20 तारीख के बाद आपको 21 या 22 तारीख में एक डाटा मिलेगा जिसमें ये पता चलेगा कि हाँ इस कॉलेज में इतनी सीटें थी ICAR के लिए और इतनी सीटें भर चुकी हैं, अब जो है सीटें इतनी खाली बची हैं और किस कैटेगरी की खाली बची हैं वो भी बताया जाएगा। और दोस्तों, 23 तारीख तक ये डाटा जो है संबंधित जो आपकी वेबसाइट है उस पर आ जाएगा, क्योंकि 23 तारीख तक सभी कॉलेजों को डाटा जो है ICAR को देने के लिए कहा गया है कि हमारे यहाँ इतने एडमिशन हो चुके हैं और जो है इतने एडमिशन अभी होने बाकी हैं, सीटें खाली हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सेकंड राउंड की जो है काउंसलिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने आपको बता दे, यूनिवर्सिटी जो है
आज चल जाएगा कि यहाँ आपका सेकंड राउंड की काउंसलिंग में एडमिशन होगा या नहीं, वो आपको जो है 23 सितंबर को आपको जो है सीट अलॉटमेंट होगी सेकंड राउंड काउंसलिंग की। तो सेकंड राउंड जो काउंसलिंग होगी आपकी, उसकी जो सीट अलॉटमेंट होगी वो होगी आपकी 23 सितंबर को। 23 सितंबर को जो सीट अलॉटमेंट होगी वो निर्भर करती है कि फर्स्ट राउंड में कितने बच्चों ने एडमिशन लिए हैं। दोस्तों काफी बच्चों के कमेंट आए हैं, सर मुझे जो है अच्छा कॉलेज नहीं मिला है या मेरा मन बदल चुका है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या हैं उन्होंने ऑलरेडी ही एडमिशन ले लिया है, कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं वो, तो वो सोच रहे होंगे कि चलो यार वहाँ जाने से अच्छा है कि एडमिशन ना लिया जाए। तो वहाँ पे सीटें अभी काफ़ी खाली हैं, आप निराश ना हो सकता है कि सेकंड राउंड में आ जाए आपका जो है सीट अलॉटमेंट हो जाए दोस्तों सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बाद। अगर हाँ, बहुत बच्चों के जो कमेंट आ रहे हैं आपके, आप लोगों के द्वारा ये कमेंट आ रहे हैं कि सर एडमिशन नहीं हो पाया, तो दोस्तों एक ना एक इफेक्ट इस चीज का आपके जो है आपके कोर्स पर पड़ा है। लगभग 11 तरीके के कोर्स जो हैं आईसीआर के थ्रू आपको कराए जा रहे हैं, तो किसी कोर्स में सीटें ज्यादा हैं और किसी कोर्स में सीटें बहुत कम हैं, तो वहां पर भी आपकी कहीं ना कहीं जो है इफेक्ट पड़ा है। आपकी जो है अच्छी रैंक आने के बावजूद भी आपका एडमिशन नहीं हो पाया। एक इफेक्ट ये भी पड़ा है कि सपोज करो अगर यहाँ पर जो है डेयरी के लिए अगर सीटें कम हैं और आपने यहाँ पर एडमिशन के लिए अपना जो है अप्लाई किया है, तो आपका जो है अच्छी रैंक के बावजूद भी मार्क्स आपके जो है सीट अलॉटमेंट नहीं हो पाई है अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी। और वहीं अगर एग्रीकल्चर में आपका है तो इसमें सीटें थोड़ी ज़्यादा हैं और कम रैंक होने के बावजूद भी आपका हो चुका है। SC ST की जो हमने बताई थी उनके लगभग ज्यादातर बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं, थोड़ी सी दिक्कत जो है जनरल के बच्चों को आ रही है। तो दोस्तों एक कमेंट ये भी आया था कि अगर हम कहीं पे पढ़ रहे हैं और हमारा जो है ICAR में भी हमारा जो है आ चुका है नंबर, तो जहां पर हम स्टडी कर रहे हैं वहां की फीस वापिस होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि वो जो फीस है ना के बराबर चांस है आपके वापिस होने के। बाकी आप जो है संबंधित कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पता कर सकते हैं, उनके रूल अलग होते हैं, उसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते, ठीक है दोस्तों। हाँ वो आप अपना वहाँ पे कॉलेज में जाकर पूछ सकते हैं आप संबंधित कॉलेज से जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों एक कमेंट ये भी आया था कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जो होगी उसमें जो है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिएंगे, तो मैंने आपको बता दिया है सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होंगे। डॉक्यूमेंट्स केवल आपको तभी चाहिए होंगे जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी 23 सितंबर को, और 24 से 28 सितंबर तक क्या होगा आपका जो है सीट अलॉट होने के बाद आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना होगा। यहाँ पे आपका क्या होगा कि यहाँ पे आपके जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, वास्तविकता में आपने जो काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो आपके पास हैं या नहीं हैं, तो वहां पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फोटो कॉपी कोई ना लेकर जाए, ओरिजिनल जरूर होने चाहिए। फोटो कॉपी के 1-2 सेट आप ले जा सकते हो, ठीक है दोस्तों, और पासपोर्ट साइज भी ले जा सकते हो आप अपने, फोटो के 4 फोटो आपको ले जाने वहां पर अनिवार्य है। दोस्तों बहुत ज़्यादा कमेंट ये भी आ रहे हैं लेकर के कि कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की फीस कितनी होगी। तो दोस्तों हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज की फीस जो है अलग अलग डिसाइड की गई है। ICAR के थ्रू जो है केवल एक फीस निर्धारित नहीं की गई है, हर कोर्स की हर कॉलेज की हर यूनिवर्सिटी की फीस अलग अलग है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोगों के डाउट क्लियर हो चुके होंगे, आशा करता हूँ कि आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आपके डाउट जो हैं वो हमें आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, अगर आपके जो डाउट अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो हम आपके शाम को एक वीडियो में जो आपके कमेंट आएंगे उसी को लेकर आएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे किसी भी एग्जाम के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।